सो वेलकम दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड जॉब वीजा हेल्प मेरा यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं माल्टा में मैकेनिक, जो डीजल मैकेनिक जिन्होंने किया है, जो कुछ गाड़ी का रिपेयरिंग का काम करते हैं। सो आज वैकेंसी उनके लिए है। आपको मैं ये बताऊंगा आपको जॉब कैसे अप्लाई करना है, ओके। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी आपको जॉब कैसे अप्लाई करते हैं, आपको सीवी कवर लेटर कैसा, क्या जो फॉर्मेट रहता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टाइप में सीवी चाहिए, इस टाइप में कवर लेटर चाहिए, आपको जो मेल करते हो उस टाइप में आप सब्जेक्ट में क्या लिखना है, कंपोज में क्या लिखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ओके। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल को अगर फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो करिए, वहाँ पर मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। भाई कॉन्टैक्ट नंबर देने की बात ऐसी है कि मैं भाई सबसे बात भी करता हूँ, ना ऐसे नहीं, बट उसमें से 1-2% छोड़ के मैं बाकी सबसे बात करता हूँ, ना ऐसे नहीं है। भाई अगर फ्रेशर हो तो भाई इस जॉब के लिए अप्लाई मत करिए, अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सोचिए, क्योंकि भाई विदाउट एक्सपीरियंस आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, ओके। तो आप पहला एक्सपीरियंस ले लीजिए, आपके नियर बाय जो सिटी है वहाँ पर एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइए, उसके बाद इस जॉब के लिए अप्लाई करिए। और जो सेकंड बात होती है कि बहुत सारे लोगों को अभी के टाइम में ना फ्रॉड कॉल आ रहे हैं कि मैं आपको माल्टा में बंदा हूँ, मैं माल्टा से हूँ, मैं अभी माल्टा में रहता हूँ, तो मैं आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू, तो भाई उससे बच कर ये वो 200 से 300 यूरो मांग लेते हैं और आप दे भी दे देते हो कि भाई ये मेरा वर्क परमिट लगवा देगा। भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, भाई आपको कोई वर्क परमिट लगा के देने वाला नहीं है, ओके। तो भाई पहली बात ये, आप अपना सीवी कवर लेटर बनाइए यूरोपियन फॉर्मेट में, उसके बाद ये जॉब के लिए अप्लाई करिए, ओके। चलो दोस्तों अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, और जो भी कुछ क्वेरीज है आपको नीचे कमेंट में करिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम आकर डीएम करिए, मैं आपको मेरा नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी बात करेंगे अपन, ओके। चलो दोस्तों यहाँ पर मैं गूगल में आया हूँ, ओके। सो गूगल में आया तो गूगल में मैंने ये सर्च किया, देखिए मैकेनिकल जॉब्स, मैकेनिक जॉब्स इन माल्टा, मैं यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, ये आपको मैकेनिक जॉब्स इन माल्टा आपको सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वैकेंसी नीचे आ गई है, व्हीकल मैकेनिकल, डीजल इलेक्ट्रो मैकेनिकल, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ओके। तो ये सब जॉब्स अपन देखने वाले हैं, तो आप थोड़ा वेट करिए, बिकॉज क्या होता है मालूम है कि ये सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन में एकदम बारीकी से देने वाला हूँ, तो आप थोड़ा वेट करिए, ओके। तो अभी हम लोग ये ओपन कर लेते हैं भाई, व्हीकल मैकेनिकल पैरागॉन रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो यहाँ पर अगर आपको जॉब अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर आ गई, ये पैरागॉन रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो आपको क्या करना है, ये पैरागॉन रिक्रूटमेंट एजेंसी यहाँ पर सर्च करना है। बहुत सारे जॉब्स ये पैरागॉन रिक्रूटमेंट एजेंसी में अवेलेबल है, तो ये मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद अपन जाएंगे न्यू टैब में, ये पेस्ट करेंगे पैरागॉन रिक्रूटमेंट एजेंसी अपन सर्च किए, ओके। तो यहाँ पर टेक्नीशियन का जॉब है, वैकेंसीज है, तो पैरागॉन रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे अपन, ओके। वेट हो रहा है। सो देखिए यहाँ पर इनकी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पर डायरेक्ट डीजल इलेक्ट्रिको मैकेनिकल है, यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ओके। और यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिशियन है, ओके। तो इनकी वैकेंसी है, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज और भी नीचे रहेंगी, इनके बहुत सारे वैकेंसीज भी है, प्लम्बर के लिए भी वैकेंसी है, ईवी एएलवी इंस्टॉलेशन के लिए है, मैकेनिक्स के लिए है, वेयर हाउस ऑपरेटर टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है, ओके। तो अभी ये वैकेंसी ओपन करके देख लेते हैं अपन, पहली ये डीजल इलेक्ट्रो मैकेनिकल की, ओके। तो ये वैकेंसी ओपन करने के बाद यहाँ पर सबमिट योर एप्लीकेशन, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है, और कंट्री माल्टा के लिए, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको कंट्री माल्टा के लिए, ये देखिए, ओके। क्लोजिंग डेट यहाँ पर 28/2/2022 है, मतलब अभी भी वैकेंसी अवेलेबल है, ओके। यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के लिए ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर इसके बाद पहले आप नीचे पूरा देख लीजिए, जैसे ये वैकेंसीज यहाँ पर इंग्लिश और स्पेनिश आनी चाहिए, बट आपको नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज आई तो भी चल जाएगा, यहाँ पर गुड लेवल वर्बल एंड रिटन इंग्लिश और स्पेनिश, स्पेनिश की इतनी रिक्वायर, स्पेनिश वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है और इंग्लिश भी है, ओके। आपको जो भी आती है वो ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन पे अपन क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ पर इनको ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करें, तो मैं अकाउंट यहाँ पर क्रिएट नहीं करने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ओके, एक नॉर्मल अपन करेंगे, यहाँ पर नॉन यू सिटीजनशिप करना है आपको, ओके। यहाँ पर आईडी कार्ड तो आपका नहीं है, यहाँ पर ये इस टाइप में भी कर सकते हो आप, और ये नहीं करना है आपको,
तो यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी पे डायरेक्ट आप क्लिक करके कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ अभी, ये अपन जाते हैं आपको उनके ईमेल आईडी पे, यहाँ पर करना है ये लंबी प्रोसेस, यहाँ पर ईमेल आईडी के पासवर्ड क्रिएट करना है, ये सब करना है। इसके पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से डायरेक्टली अपने को क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है info.eu, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पहुंच जाने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल दिखा रहा है। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट जो लिखा है एक बंदे का, ये मैंने बनाया था, तो यहाँ पर ऑटो मैकेनिक और व्हीकल टेक्नीशियन, तो इसको कॉपी करना है आपको और जाना है वापस मेल में और यहाँ पर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट डालना है। ओके, ये आपका कवर लेटर है ना, वही आपको कॉपी पेस्ट करके डालना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर डियर सर एंड हायरिंग मैनेजर, ये सब कॉपी करना है आपको, ये सब ओनली कॉपी पेस्ट वाला ही वर्क है यहाँ पर। ओके, आप थोड़ा समझ लीजिए और अपना काम करना चालू कर दीजिए, सबसे बढ़िया है। ओके, ये एक बंदे के लिए अपन कर रहे हैं। ओके, तो भाई ये चाहिए तो फॉर्मेट में आपको देता हूँ ना, ऐसे नहीं है तो आप थोड़ा इसको समझ लीजिए जो भी है और ये अच्छे से वर्क करेगा। मैं बहुत जगह इसने, ये बंदे ने भी अप्लाई किया है। ओके, तो आप भी करिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से कॉपी करो, आपका जो भी नाम है वो सब यहाँ पर कॉपी पेस्ट करो। अगर ये सीवी कॉलेटर बना तो मुझे कॉन्टेक्ट करिए, मैं इसका चार्जेस लेता हूँ ना, ऐसे नहीं है कि देखिए कोई भी चीज है ना फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए कुछ ना कुछ तो चार्जेस लेना पड़ता है। ओके, तो इसका मैं सीवी भी दिखाने वाला हूँ आपको, तो आप थोड़ा वेट करिए, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो ये मैंने उसका सीवी अपलोड किया। यहाँ पर सीवी अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो क्लिक सेंड की बटन है, सेंड के बटन पे क्लिक करना है आपको, और इसका फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको देता हूँ फॉर्मेट, कोई इसकी दिक्कत नहीं है मुझे भाई, ये फॉर्मेट देने में कुछ नहीं भाई, लोगों का भला हो सके चाहिए तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में भेज देता हूँ। ओके, कॉपी तो कर लिया अभी मैंने। ओके, और इसका सीवी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, तो आपको पता चल जाएगा ये बंदे का सीवी है। यहाँ पर इसका नाम लिखा है, यहाँ पर इसका जो अबाउट मी सेक्शन वो लिखा है, यहाँ पर इसका वो जो पोजीशन था वो लिखा है, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा है और यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है मैंने। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये उसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, यहाँ पर इसका एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद यहाँ पर इसकी लैंग्वेज डिटेल्स है, इसके बाद यहाँ पर इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है जो मैकेनिक की होती है, उसके इसके हॉबीज यहाँ पर लिखी है, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स लिखी है, यहाँ पर इसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स लिखी है अपन ने, उसके बाद वैक्सीनेशन डिटेल लिखी है यहाँ पर, और नेक्स्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन किया है। ये टाइप में सीवी आपका होना चाहिए। ओके, चाहिए तो ये वापिस वीडियो 2-3 बार देखिए तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ओके, तो बस इतना ही है, और भाई वीडियो को लाइक जरूर करिए यार, बहुत सारे मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ये अपने को देने वाला हूँ मैं आपको, ये जो फॉर्मेट है जो सेंड करके मेल भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए सेंड भी हो गया मेल, तो ये बात है, तो आपका भी हो जाएगा उसी तरह। तो अभी तक मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, जॉब कैसे अप्लाई करना है मैकेनिक का। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको एकदम इन्फॉर्मेटिव होने वाली थी, क्योंकि क्या है कि ये चीज़ें सब कोई नहीं बताता ऐसे। ओके, मतलब आपको ये सीवी कैसे होता है, आपको कवर लेटर कैसे होता है, आपको अप्लाई कैसे करना होता है, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता है, तो ये अपन चीज़ें पूरी बता देते ताकि आपको पूरी हेल्प हो सके, बाकी कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि सीवी क्या होता है, कवर लेटर क्या होता है। अगर किसी को सीवी कवर लेटर बनवाना है तो मुझे कांटेक्ट करिए, पर उसके लिए मेरे चार्जेस है 1500 रुपये। ओके, तो इंक्लूडिंग ऑल सर्विसेज है, मतलब आप 1500 देख के मतलब डर मत जाओ भाई, उसमें बाकी जो कोई 1500 में नहीं देता वो मैं देता हूँ। ओके, उसमें आपको सब सर्विसेज मिल जाती है, जैसे जॉब्स कैसे अप्लाई करते हैं तो मैं वीडियो बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको कोई जो वहाँ से रिप्लाई आ रहा है तो उसके आप रिप्लाई करेंगे, जो भी आपकी जो भी क्वेरीज है ना उसमें सॉल्व आउट हो जाएगी। ऐसे ना ऐसे नहीं है कि भाई आपको मैं कभी इग्नोर करूँगा, कभी भी फोन करो, खाली खाना वगैरह ये सब मैं बिजी रहूँगा तो भाई फोन नहीं उठाऊंगा, बाकी कुछ नहीं। ओके, चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। थैंक यू दोस्तों।